केवल राष्ट्रवादी हिंदू घोषणाएं होती हैं, हिंदुओं को धोखा दिया जाता है केवल वोट बैंक के लिए, केवल बीजेपी वोट बैंक की ये है घोषणा करती है, विकास कार्य कुछ भी नहीं, सारा सब नेताओं का और प्रधान के बाप का है। योगी और मोदी के चेहरे पर सरकार बनी, बीजेपी सरकार नहीं बनी है, बीजेपी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, योगी मोदी है, बिल्कुल योगी मोदी है, योगी मोदी चेहरा हटा नहीं, बीजेपी गिरी नहीं। इससे पहले विधायक 15 साल रोशनलाल जी रहे, उनसे हम लोग बाहर गाँव जाते थे, उनके पास जाते थे कि भाई हम लोग वोट देते हैं आपको, हमारे गाँव में विकास कराइए, तो कहते नहीं हम ठाकुरों के यहाँ नहीं कराएंगे, हम केवल अपने किसानों के यहाँ करवाएंगे। रोशनलाल वर्मा जी कहते हैं जी, हाँ रोशनलाल वर्मा जी, हाँ आज यहाँ सलोना कुशवाहा जी को हम लोगों ने 90% मतदान दिया है, उन्होंने अभी हमारे गांव की तरफ देखा नहीं है, अच्छा न कोई कार्य लिए, आश्वासन दे के गई, आश्वासन दे रही हैं और वहाँ जाते हैं तब आश्वासन दे रही हैं, लेकिन अभी कोई विकास कार्य के लिए उन्होंने सोचा तक नहीं। अच्छा, इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए आप लोगों ने कहा? इस मंदिर के सौंदर्यीकरण मैंने सांसद जी से कहा, इससे पहले कृष्णा राज जी थी उनसे कहा, मिथिलेश जी हुए उनसे कहा, इसमें वर्तमान में सांसद जो हैं इनसे भी मैंने कहा, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं। यहाँ जो वर्तमान इसमें प्रमुख जी हैं उनसे हमने यही कभी कहा कि हमने प्रमुख जी आप ठाकुर हैं, हाँ आप जब यहाँ विधायकी के लिए वोट लेने आए थे तो कहते आप हमको जानते हैं, तो हमने कहा हम आपको जानते हैं, आप प्रमुख हैं, हमारे यहाँ विकास कार्य कराइए, हमारे यहाँ ब्लॉक जाने के लिए रास्ता भी नहीं, हाँ आश्वासन दे गए हैं लेकिन जाके सो गए। केवल राष्ट्रवादी हिंदू घोषणाएं होती हैं, हिंदुओं को धोखा दिया जाता है केवल वोट बैंक के लिए, केवल बीजेपी वोट बैंक की ये है घोषणा करती है, विकास कार्य कुछ भी नहीं। आप विद्यालय देखिए यहाँ का, आप यहाँ का रास्ता देखिए आप, और छोड़ो गरीबों को जो भोजन मिलता है वो भी नहीं मिलता है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए होता वो भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता ही नहीं, सारा सब नेताओं का प्रधान के बाप का है। हमारे यहाँ हम लोगों ने भंडारा किया, 2 लाख रुपया खर्च किया, उनके पास गए हमारा आके प्रसाद ग्रहण करें, तो उनको प्रसाद भी हमारा खराब लगता है, अच्छा प्रसाद भी ग्रहण करने नहीं आई, अपने चमचे भेज दिए, अपने गुर्गे गुंडे वो भेजे। अब जब बताओ जब विधायक का गनर पिटता है तो क्या विधायक की थी, ऐसे विधायक की सत्ता खत्म की जाए इनकी। हमारी समस्या जा है, हमारा लड़का जमीला पुत्र थाना खुदागंज में अपनी बहन के यहाँ गौतर खाने के लिए गया था, 10-12 दिन बाद उसके लिए लोगों ने गांव वालों ने मार डाला, अच्छा गांव से हमारी बुराई थी, हम गांव की बुराई से थोड़ा हटा बचे। किस बात को लेकर बुराई थी? बुराई जमीन के जगह के पीछे भी, जमीन के बात, हाँ रोड किनारे जगह। क्या नाम था लड़के का? अवनीश। अवनीश, अवनीश कितनी उम्र थी? उम्र 12 साल ही, और 10-12 दिन पहले मेहमानी में गो हो, उसके बाद में 8 तारीख को 2007 सातवें महीना में 2020 अच्छा 8 तारीख सातवा महीना 2020 उसका वहाँ मर्डर कर दिया। अच्छा मर्डर करने के बाद में किस चीज़ से किया? बत्ती दिखाते हैं, ठीक तो बत्ती दिखाते हैं, हम बत्ती को मानते हैं, बत्ती दिखाते हैं, तो बत्ती वाली लाश हमारी बत्ती के पांजे मिलना चाहिए, जैसे किसी तार के नीचे लगा है तो तार के नीचे मिलना चाहिए, खंभा के नीचे लगा है तो खंभा के नीचे मिलना चाहिए, वो लाश हमारी झाड़ी में डुका दी। अच्छा। झाड़ी में डुका के उनने अपने घर में रखी, घर में रखने के बाद में एक उसका पैर भी काट दिया, एक पैर भी काट दिया, 6 दांत भी तोड़ दे, नर पे यहाँ निशान हमारे लिए मिला। फिर थाना खुदागंज में बकार अहमद एसो थे, एसो साहब ने हमारी मदद की, पहले मदद करने के बाद में तो उनने कही ठीक है वो आपका ढूंढा खकूरी करते हैं भाई, तो तुरंत एक लड़की ने बताया इनने मारा, तो हमने कही उसके बाद में 3 दिन बाद पहले हम अज्ञान में आए, अज्ञान में देने के बाद में तो हमने कहा भाई खेत खुआ बंदर कुत्ता मती टांगे जाए जो करे सोई भरे, एक लड़की ने बताओ फला आदमी ने मारो, तो जो पड़ोस को आदमी उसको सुनते रहो तो उसने रात के 10-12 बजे बताओ भाई फला आदमी ने मारो, फिर उसको हमने यशो साहब कहे हमने यशो साहब एक राकेश नाम का है उसको आप उठाइए, उसने मारा है, तो कही ठीक हम उठाएंगे उसको पूछेंगे, पूछताछ की तो उसने कही हाँ हमने मारा है, मारने के बाद में उसने हमने नदी में डारा है तो नदी में डारा बहु मान गए है, ठीक तो इन्हें गोताखोर मंगवाए, गोताखोर मंगवाने के बाद लाश तो वहाँ मिली नहीं, 4-5 दिन की बात थी लाश आगे लेकर गई, तो उनके बताने के आधार से हमारी लाश वो नदी में मिली, मिल गई लाश हमारी नदी में मिली। अच्छा कितने दिन बाद मिली थी? लाश 5वें दिन बाद मिली थी। अच्छा तो उसके बाद में 2-3 दिन तो यहाँ वहाँ ढूंढते रहे,
जब तीसरे दिन उन पर दावा करने पर राकेश उठवाए तो उन्हें कहीं नदी में डालो, फिर हमने नदी में खकोरा लिया जहाँ तहाँ नाते दान फोन करके पूछवाए तो फिर वह लाश नदी में मिली जाए। जो कपड़ा को निशान बताए बेनिशान सब लिख रहे तो यशो साहब ने बात लाश मानी हमारी। अच्छा, हमने बताया हाफ जीन्स पैंट पहन दे और टी शर्ट पहन दे बेल्ट बंधी वे पूरे नक्शा कपड़ा के मिले। तब यशो साहब ने हमारी लाश मानी, बोले ठीक है आपने जैसा बताया तैसा हमारे लिए मिली। उसके बाद में यशो साहब ने 10-12 लाख रुपया लेके, अच्छा हमने चार मुलजिम किए विधायक के दबाव में, नहीं रोशन लाल नहीं, तो उसके बाद में चार मुलजिम पर हमने दावा करो, एक मुलजिम ने रखो। फिर मीडिया पहुँचने के बाद में तो बकार रहमान हमसे बोले आपको जो ताकत लगा मिले सो लगा लेना, अब जो होगा सो होगा, आपने हम तो आपकी भले मंथी देख के आपकी मदद की, आपकी लाश हमने मिलवा दी और आपने हमारे साथ में मीडिया यहाँ बुलवा दी, तो हमने कहा अब जो आपकी मर्जी हो। फिर उनने एक मुलजिम हमारा रखो, तीन मुलजिम उनके, उनने 12 लाख रुपया ले लिया, राजपाल दरोगा यशो बकार रहमान। फिर उनने जब घर के बाकू का ना पीएम रिपोर्ट जहाँ हो 12 लाख में उनने हुआ से हुआ तक सब खरीददार है, जो कोई हमसे बोले तो जहे बोले वो बत्ती का लगा हुआ है। अच्छा। बत्ती का लगा हुआ है तो हमारा बत्ती को लगा हुआ होने मिलना चाहिए, तो वो नदीम कैसे पहुँचा, फिर वो घर कैसे पहुँचा। तो इसके बाद में इन लोगों ने 12 लाख रुपये में पूरा देश अपना खरीद के, तो मैं बाकू का ना पीएम रिपोर्ट वाले ने जाबाद गई है बाकू का ना उसका बत्ती लगी हुई है, हम बत्ती लगी हुई मानते हैं, टांग कटी कैसे वो मगरमच्छ दिखाता, मगरमच्छ खाता पूरा निकल जाता, इस वजह से पूरी टांग कटी है वो हम उसको फोटो भी सबको दिखा सकते हैं, फोटो एक धार से कटा हुआ है। तो वो 12 लाख रुपए में वे लोग जय कहते हैं मगरमच्छ ने टांग खा ली, मगरमच्छ खाता तो नोच खोच खाता और यह पूरा निकल जाता है। अच्छा, ये अब आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप जो है विधायक मंत्री हैं अपने यहाँ खन्ना जी हैं, हम खन्ना जी के पास तुरंत गए, तो क्या कहा मंत्री? खन्ना जी ने मंत्री साहब ने जाकर ही होगा देख लेंगे। फिर उसके बाद में बिलासपुर में निशा सिंह से हमने कही तो उनने फिर उन्हें हमारे पठो उनसे उनने मना कर दे, हम जा मदद को नहीं कर पाएंगे। किसने मना कर दी? खन्ना जी ने।